अस्सलाम वालेकुम माय फैमिली, और आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि ठीक हो गए, खैरियत से हो गए। तो देखिए, मैं एक हफ्ते से करीब ब्लॉग नहीं डाली कि हम लोग थोड़ा टेंशन में भी, और मेरे भाभी को हो गया है 1 साल को इंतकाल होके, और बस हम लोग भी कर रहे हैं गांव के लिए। तो आज मेरी तैयारी है, बस सुबह से कर ली हूँ तैयारी, और बस अभी हम लोग निकल रहते हैं। तो मैं रेडी हो गई क्योंकि ब्लॉग बनाने के लिए मुझे टाइम नहीं मिला। तो बस अभी हम लोग सब पैकिंग वगैरह हो गई और मैं बस निकल रही हूँ। तो फिर हम लोग निकलते हैं और फिर मैं आगे आप लोगों को बताती हूँ रूटीन की, मतलब हम लोग कैसा जा रहे हैं। पहले भी हम लोग गए थे जो हम लोग का गाँव है कलम, तो बस अभी निकल रहे हैं। तो जब तक के अल्लाह हाफिज़। तो देखिए, बस हम लोग घर से निकल कर नमाज, और हम लोग बस बैठ गए गाड़ी में, है ना नमाज। हाँ। कहाँ जा रहे हैं नमाज? अबुल दादे गांव, मानी के गांव जा रहे हैं ना। हाँ। तो हम लोग बस में बैठ गए और खाला भी आराम कर रहे। खाला को भी उलझन हो रही लगता है ना खाला। तो यहाँ पर देखिए, खाला भी जाने के लिए, खाला अम्मी कैसा लग रहा? खाला भी निकले। हाँ, हम लोग ने स्लीपर नहीं करे, बस सीटर वाली बस में जा रहे हैं। मैं मिली थी और बस जाना था। तो देख लिए, हमारी भाभी को इनके बालों पर 1 साल पूरे हो गए और इतने जल्दी दिन निकल गए कि कुछ पता नहीं चला। जाना था बस, क्या करेंगे, टेंशन भी है, दुख भी है और तकलीफ भी है, लेकिन जो अल्लाह की मर्जी है उसके आगे अपन कुछ भी नहीं कर सकते। जो अल्लाह ताला की मर्जी, देखो हम भी आज है और कल रहेंगे या नहीं रहेंगे वो तो पता नहीं है। तो पीछे बैठे मेरे अम्मी और भाई, और यहाँ नमाज है, नमाज को इंजॉय कर रहा। नमाज को बहुत मज़ा आती गांव जाने के लिए, ना नमाज। कहाँ पर पहुँचे हम लोग नमाज? पवई है ना। हाँ। देखिए, अभी हम लोग पहुँच गए हैं पवई। तो यहाँ पर इतना ज्यादा पानी भर गया, देख बारिश की वजह से, है ना नमाज। मौसम भी बहुत अच्छा लग रहा, नमाज को एंजॉय कर रहे हैं ना नमाज। तो ये है पवई का तालाब। अच्छा लग रहा और बारिश हो रही इसलिए। तो देखिए, हम लोग ना खंडाला का घाट बस चढ़ रही थी बस, और मौसम इतना अच्छा था कि बहुत ही ज़्यादा, थोड़ा मेरे को डर भी लग रहा था क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी और मौसम तो वाकई में बहुत अच्छा लग रहा था। तो हम लोग बस खंडाला का घाट चढ़ने के टाइम पर, पहले तो बहुत ज़्यादा डर लगता था, लेकिन अभी तो अच्छे खासे रोड बन गए। यहाँ पर देखिए, मैं थोड़ा थोड़ा बाहर का भी व्यूज़ जो है वो ले रही हूँ, और बादल का जो कलर है वो एकदम ब्लू हो गया। तो नमाज़ बोलता, मम्मा ऐसा क्यों हो गया बादल? तो मौसम बहुत अच्छा था। और अभी हम लोग बस खंडाला के घाट उतरने ही वाले हैं। यहाँ पर थोड़ी बारिश रुक गई है, थोड़े टाइम तक बारिश थी और थोड़े टाइम तक रुक गई थी।
ऊंचाई पे नमाज, हम गाँव जाने के टाइम पे जो मतलब लोनावला का पहला जो घाट है वो है, वाकई में बहुत खूबसूरत लग रहा है बारिश की वजह से, सब बारिश की वजह से एकदम धुआं धुआं जैसा लग रहा है पहाड़ के ऊपर। पहुँच के जैसा कि घाट उतर के फिर थोड़ा से ढाबे पे चाय वगैरह पिए, और भूख तो बिल्कुल भी नहीं क्योंकि सफ़र में खाना खाने दिल ही नहीं बोलता, और अम्मी तो पीछे सो गए और खाला भी सो गए, बस नमाज मुझे ऐसे सीटों पे नींद नहीं आती, बस ऐसे बैठने वाली हूँ नमाज से बातें करते। और अभी बज रहे हैं 11, तो हम लोग सुबह में 4 बजे पहुँचेंगे, तो चलो फिर मिलते हैं पहुँचने के बाद गांव में। और ये माहौल तो गम का है, बहुत ही ज़्यादा दिल में बस दुख है और बस उनकी यादें हैं, चलो उनकी यादों के सहारे इंसान, चलो आप लोग भी उनके लिए दुआ करिए, अल्लाह ताला उनको आला से आला मकाम दे जन्नत में, क्योंकि वो जन्नत ही थे। और जाना तो हर किसी को है, मेरे भाभी बहुत जल्दी चले गए, शायद अल्लाह ताला को वो पसंद आ गई थी, और बस 1 साल हो गए, ऐसा लग रहा नहीं कि वो 1 साल हो गए हमारे से दूर हो गए, और बस दिल में बस गम है, लेकिन क्या कर सकते हैं अल्लाह की मर्ज़ी क्या है। तो बस अभी हम लोग थोड़ा सी नमाज से मैं बातें कर लेती हूँ, है ना नमाज, नमाज सोच रहा है कि कब आएगा गांव, नमाज को भी नींद नहीं आ रही, चलो फिर सुबह में मिलते हैं, जब तक के अल्लाह हाफिज़। सीधा नहीं अस्सलामुअलैकुम। तो देखिए हम लोग पहुंच गए हैं गांव में, जैसा कि अभी यहां पर से और भी गाड़ी से जाना है, तो हम लोग बहुत जल्दी पहुंच गए 4 बजे सुबह में, है ना नमाज। तो हम लोग कहां बैठे, तो नमाज और मैं, खाला, अम्मी, हम लोग सब बैठे अभी दूसरी गाड़ी का इंतजार करते हुए, तो देखते कब आती है, है ना नमाज। गांव की हवा ठंडी ठंडी बहुत लग रही है, यहाँ पर बारिश नहीं हो रही और वहाँ पर बहुत बारिश हो रही थी आधा दिन तक, पूना तक तो पूरी बारिश थी, लेकिन यहाँ पर तो नहीं हुई है शायद।